दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मुंबई वाले बात करने वाले हैं एमएसटी सीटी 2021 के लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए गाइस, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एमएसटी सीटी 2021 है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे कमेंट्स थे कि हमें ये डॉक्यूमेंट क्या रहता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट हमें किस तरह से कहाँ पर मिलेगा, या हमारे लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसके लिए आज की वीडियो में हम लोग वही डिटेल में जानकारी देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे किस तरह से मिलेंगे और आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, ये आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट करियर रिलेटेड वीडियोज़ और मैथ्स रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास रहने ज़रूरी है और इसमें से मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगी भी। SSC रिजल्ट रहेगा, HSC रिजल्ट रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ गाइस देखिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना ज़रूरी है और कास्ट वैलिडिटी। ये ऑब्वियसली ये कास्ट वाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन करता है, कुछ कास्ट में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ कास्ट में कास्ट वैलिडिटी का भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये भी सब चीज़ें अपने के लिए रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद एक है EWS सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये क्या है, किस तरह से, ये आने वाले स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट सर्टिफिकेट, या दोस्तों अगर आप लोग कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ गाइस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज़ कंपल्सरी एट अ टाइम ऑफ अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू गेट द बेनिफिट ऑफ अ रिजर्वेशन। मतलब अब आप लोग जब भी एडमिशन के लिए जाओगे, मतलब जब भी कैप राउंड होगे और उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो गाइस पहले से ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप लोग उसके लिए प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। वन मंथ का एक नॉर्मली ड्यूरेशन लगता है, 15 डेज बोला जाता है, 15 to 1 month का एक ड्यूरेशन है, उसके बीच में आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग पहले से ही इसके लिए तैयार रहिए, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी लगने वाला है आपको। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप लोग रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट है वो उठा नहीं सकते और फिर आपको ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अलावा देख सकते हो वैलिड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यस, कुछ कैटेगरी के लिए आपको पता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत रहती है, जैसे OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसे सर्टिफिकेट रखते हैं, तो उन लोग को भी यही गाइड्स मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि अभी से ही ऐसे सर्टिफिकेट है ये अपने पास कलेक्ट करके रखिए। ऑब्वियसली एट अ टाइम ऑफ MSTCET रजिस्ट्रेशन ये नहीं लगेगा, लेकिन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ये आपको लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ये अपने को लगने वाला है। उसके अलावा देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपके पास रहना जरूरी है। अगर आप लोग महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी आप लोग देख सकते हो, टाइप ए के जो कैटेगरी है, अगर आप लोग महाराष्ट्र में ही आप लोग बॉर्न हुए हो या महाराष्ट्र में भी आप लोग रह रहे हो तो आपके लिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग SSC और HSC का एग्जाम स्टेट बोर्ड से, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड से पास हुए तो आपके लिए ये टाइप ए में आप लोग बिलोंग कर रहे हो। उसके अलावा टाइप बी देखिए, कैंडिडेट नॉट फॉलोइंग इन अ टाइप ए बट देयर मदर और फादर आर अ डोमिसाइल ऑफ अ महाराष्ट्र। मतलब अगर आप लोग ने HSC या SSC का जो एग्ज़ाम है ये स्टेट बोर्ड से, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं दिया है, लेकिन आपके मम्मी पापा महाराष्ट्र बोर्ड से थे और उनका डोमिसाइल जो है वो महाराष्ट्र का है, तो भी आप लोग एप्लीकेबल हो महाराष्ट्र के कैंडिडेट कहने के लिए, तो उनके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। टाइप सी में देखिए, कैंडिडेट हु डू नॉट फॉल इन द टाइप ए एंड टाइप बी बट देयर मदर और फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अ इंडियन अंडरटेकिंग एम्प्लॉय आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू द ड्यूटी इन महाराष्ट्र बिफोर द डेडलाइन ऑफ MSTCET एप्लीकेशन सबमिशन। तो आपका MSTCET का जो एप्लीकेशन है उससे पहले अगर आपके जो पेरेंट्स है, बराबर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ साल गवर्नमेंट सर्विस किया रहेगा, तो भी आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपको एप्लीकेबल है और आप लोग एज अ महाराष्ट्र का कैंडिडेट करके आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि अदर देन महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग फॉर्म फिलिंग रहता है और ऑब्वियसली उनका जो सीट्स रहता है वो अलग रहता है। इसके लिए आपको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए, कैंडिडेट हु डू नॉट फॉल इन अ टाइप ABC बट आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर एम्प्लॉय ऑफ
और अ रिटायर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ अ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। मतलब अगर आपके पेरेंट्स अभी फिलहाल जॉब पे नहीं है, रिटायर हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काम किया है, गवर्नमेंट के लिए काम किया था, तो भी आप लोग टाइप डी में कंसिडर हो गए और आपके लिए फिर यहाँ पे ये सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए नेसेसरी बन जाता है। उसके अलावा टाइप ई देखिए, कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड एचएससी एग्जाम फॉर द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज मराठी। अगर आपका मदर टंग मराठी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक का जैसे कि आपको पता है थोड़ा बहुत डिस्प्यूट एरिया है, वहाँ से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो भी आप लोग को महाराष्ट्र डोमिसाइल के हिसाब से आपको महाराष्ट्र के कैंडिडेट कह के आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। तो ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग आसानी से बना सकते हो, ये सर्टिफिकेट आप लोग कोर्ट वगैरह में जाके आसानी से बना सकते हो। उसके अलावा देखिए गाइस, आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको जब ये एक्चुअल फॉर्म फिलिंग रहेगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन है सीटी का, एग्जाम होने के बाद जब कैप राउंड के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस ये दो कैटेगरी में फॉर्म भरने का रहता है। तो उसमें से देखिए TFWS, इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट जो है वो खाली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये क्या है देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ट्यूशन फीस वेवर स्कीम TFWS सीट्स, दिस सीट्स शैल बी फिल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। ओके, तो ये पहली बात, तो ये जो सीट्स है ये अपने कॉलेज अपने लेवल पे ये सीट फुल करता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 5 to 6 सीट इसके लिए रिजर्व करके रखी जाती है। इसमें देखिए ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस सीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है, अदर देन महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है देखिए, तो आपका जो एनुअल इनकम है आपके फैमिली का वो 8 लाख से बिलो रहना चाहिए, तभी आप लोग TFWS से फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आपका जो ट्यूशन फीस है वो पूरा वेव अप हो जाएगा और आपको बहुत ही कम फीस में ही क्या होगा एडमिशन मिल जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए वगैरह, ये सब एडमिशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा EWS का भी जो है ये भी जो नॉर्मली है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, इसके लिए भी आप लोग का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। और देखिए गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, EWS सर्टिफिकेट जो है आप लोग जब भी EWS सर्टिफिकेट निकालने जाओगे तो आपको स्टेट का EWS सर्टिफिकेट निकालने का है। स्टेट का EWS सर्टिफिकेट मीन्स जो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आपको EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है वही आपको CET सेल एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कर लेते हैं सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं और जब भी फॉर्म फिलिंग करने के लिए जाते हैं तो महाराष्ट्र का जो CET सेल है वो एक्सेप्ट करता नहीं है। तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट ये जो है ये स्टेट बोर्ड का ही रहना चाहिए, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड का ही रहना चाहिए, महाराष्ट्र से ही आपको EWS सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नॉट अ इंडिया। ओके, तो इंडिया का जो सर्टिफिकेट रहेगा दैट इज सेंट्रल का जो रहेगा वो नहीं चलेगा, आपका स्टेट का जो रहेगा वही चलने वाला है, दैट इज ओनली महाराष्ट्र का EWS सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। अभी इसके ऊपर देख सकते हो आप लोग 10% जो सीट है ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो आप लोग देख सकते हो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तो देख सकते हो आप लोग ये सब चीज़ें हैं ये आपके पास रहना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने इन डिटेल हर एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया है कि कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपको कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, डोमिसाइल के लिए आपको क्या क्या कैटेगरी ये मैंने बता दिया है, TFWS ट्यूशन फी वेवर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5 to 6 सीट ही रहती है, हर एक कॉलेज के ऊपर ये अथॉरिटीज रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी एनुअल जो इनकम है 8 लाख से बिलो रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ गाइस और एक बात, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि EWS सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट आपको दे रही है वही आपको लगने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जो EWS सर्टिफिकेट आने वाला है वो CET सेल एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आई होप कि आपको ये सब डिटेल्स अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट थे वो सब